हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कनम एंड आई एम स्टडी इन 9th क्लास। टुडे वी मेक सम ज्योमेट्रिकल शेप्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्क्रैच पर जाकर एबी स्प्राइट लेंगे और इसका साइज छोटा कर हम 50 कर देंगे। और इस स्प्राइट को हम सबसे टॉप पर रखेंगे। फिर उसके बाद हम इवेंट्स पर जाकर वैन फ्लैग क्लिक लेंगे। फिर मोशन पर जाकर पॉइंट इन डायरेक्शन 90 लेंगे। इससे ये एक ही जगह पर 90 एंगल की शेप में रहेगी। फिर इसके बाद हम मोशन पर इसे गो टू एक्स वाई का ऑप्शन लेंगे और नीचे रख देंगे। फिर हम नीचे ऐड एक्सटेंशन पर जाकर पैन का ऑप्शन इंक्लूड करेंगे। इसमें उसमें से हम इरेज ऑल का ऑप्शन ले लेंगे। फिर हम लुक्स पर जाकर से हेलो वाला ऑप्शन उठाकर इरेज ऑल के नीचे रखेंगे और हेलो की जगह हम लेट्स ड्रॉ स्क्वायर लिखेंगे। लेट्स ड्रॉ स्क्वायर लिखने के बाद हम पेन वाले ऑप्शन पर जाकर चेंज पेन कलर बाय 10 वाला ऑप्शन ले लेंगे। उसके बाद हम पेन डाउन को ऑप्शन लेंगे। फिर हम कंट्रोल पर जाकर रिपीट 10 का ऑप्शन लेके 10 के बजाय हम 4 कर देंगे और मोशन पर जाकर मूव 10 स्टेप्स वाला ऑप्शन उठाकर रिपीट के अंदर रखेंगे और 10 को हटाकर हम उस पर 80 स्टेप्स भर देंगे। और हम फिर मोशन में से 10-15 डिग्री का ऑप्शन लेकर 15 को हटाकर उसमें 90 डिग्री फिल कर देंगे। और लास्ट में स्क्वायर के लास्ट में हम से हेलो वाला ऑप्शन लेके हेलो को हटाकर दिस इज स्क्वायर फिल कर। अब हम पेन पर जाकर पेन अप का ऑप्शन लेंगे और लुक्स पर जाकर हम से हेलो वाला ऑप्शन लेके इसके अंदर लेट्स ड्रॉ रेक्टेंगल फिल कर देंगे। लेट्स ड्रॉ रेक्टेंगल फिल करने के बाद हम पेन पर जाकर चेंज पेन बाय कलर 10 वाला ऑप्शन लेंगे और फिर हम पेन डाउन का ऑप्शन लेंगे। फिर हम कंट्रोल पर जाकर रिपीट का ऑप्शन लेके पेन डाउन के नीचे कर देंगे और 10 को हटाकर हम 2 फिल कर देंगे। और रिपीट के अंदर हम मोशन पर जाकर हम मूव 10 स्टेप वाला ऑप्शन रिपीट के अंदर डालेंगे और 10 को हटाकर हम 100 स्टेप्स कर देंगे। और मोशन पर से हम 10-15 डिग्री वाला ऑप्शन लेके 15 को हटाकर
90 डिग्री फिल कर देंगे। चलो एक बार ट्राई करते हैं। इसके नीचे हम लुक्स पर जाकर से हेलो वाला ऑप्शन से को लगाकर हेलो के बजाय हम दिस इज रेक्टेंगल फिल कर देते हैं। उसके बाद पेन पर जाकर पेन डाउन का पेन अप का ऑप्शन फिल कर देते हैं। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। सॉरी वन मिस्टेक। हम स्ट्राइड को उठाकर मोशन पे जाकर हम गो टू एक्स वाई वाला ऑप्शन लेट्स ड्रॉ रेक्टेंगल के ऊपर कर देते हैं। और फिर हम पेन अप के बाद स्प्राइट को उठाकर स्क्वायर के नीचे वाले पॉइंट पे कर देंगे। अब हम रेक्टेंगल बनने के बाद हम को स्प्राइट को और स्क्वायर वाले पॉइंट के नीचे ला के रख देंगे और गो टू एक्स वाई वाला ऑप्शन हम उठाकर पैन अप के नीचे कर देंगे। फिर हम लुक्स पर जाकर से हेलो वाला ऑप्शन ले लिए और उसमें हेलो को हटाकर हम फिल कर देंगे लेट्स ड्रॉ ट्रायंगल। लेट्स ड्रॉ ट्रायंगल फिल करने के बाद हम पेन पर जाकर चेंज पेन बाय 10 वाला ऑप्शन लेके उसके नीचे रख देंगे और पेन डाउन का ऑप्शन लेके चेंज पेन कलर के नीचे रख देंगे। फिर कंट्रोल पर जाकर हम रिपीट वाले ऑप्शन को उठाकर पेन डाउन के नीचे रख देंगे और 10 को हटाकर 3 फिल कर देंगे। रिपीट में 3 फिल करने के बाद हम
मोशन पर जाकर मूव 10 स्टेप्स वाला ऑप्शन लेके और उसमें 10 स्टेप्स को हटाकर हम 100 स्टेप्स फिल कर देंगे। और उसके नीचे हम टर्न 15 डिग्री वाला ऑप्शन लेंगे और 15 को हटाकर 120 डिग्री फिल कर देंगे। उसके बाद हम लुक्स पर जाकर से हेलो वाला ऑप्शन लेंगे और हेलो को हटाकर दिस इज ट्रायंगल फिल कर देंगे। फिर हम पेन पर जाकर पेन अप का ऑप्शन लगाएंगे नीचे इसके और स्प्राइट को हम बॉटम कॉर्नर पे रख देंगे। फिर लुक्स पर जाकर हम से हेलो वाला ऑप्शन लेंगे और हेलो को हटाकर हम लेट्स ड्रॉ पेंटागन फिल कर देंगे। उसके बाद हम पेन पर जाकर चेंज पेन कलर लगाएंगे और फिर पेन डाउन का ऑप्शन उसके नीचे लगा देंगे। फिर हम कंट्रोल पर जाकर रिपीट वाला ऑप्शन लेके इसके नीचे कर देंगे और टेन को हटाकर 5 फिल कर देंगे। फिर हम मोशन पर जाकर मूव 10 स्टेप्स वाला ऑप्शन लेंगे और 10 को हटाकर 80 स्टेप्स फिल कर देंगे। और उसके नीचे हम 15 डिग्री वाला ऑप्शन लेंगे और 15 को हटाकर हम 72 डिग्री फिल कर देंगे। और लास्ट में हम से हेलो वाला ऑप्शन लगाएंगे और नीचे लिख दे हेलो के हटाकर लिख देंगे दिस इज पेंटागन। पेंटागन के बाद इसके नीचे पेन अप का ऑप्शन लगाएंगे और एबी को हम बिल्कुल सेंटर में फिक्स कर देंगे। फिर हम मोशन पर जाकर गो टू एक्स वाई की लेंगे और उसके बाद हम लुक्स पर जाकर से हेलो वाला ऑप्शन लेकर उसके अंदर लेट्स ड्रॉ सर्कल फिल कर देंगे। उसके बाद हम पेन पर जाकर चेंज पेन कलर बाय 10 वाला ऑप्शन लेंगे और उसके नीचे हम पेन डाउन का ऑप्शन लेंगे। उसके बाद हम कंट्रोल पर जाकर रिपीट 310 वाला ऑप्शन लेंगे और 10 को हटाकर 360 कर देंगे। उसके बाद हम मोशन पर जाकर उसके रिपीट के अंदर मूव 10 स्टेप्स वाला ऑप्शन लेकर 10 को हटाकर 1 स्टेप्स फिल कर देंगे और 15 डिग्री वाला ऑप्शन लेकर हम मूव 1 स्टेप के नीचे लगाकर 15 को हटाकर 1 कर देंगे। और सबसे लास्ट में हम लुक्स पर जाकर से हेलो वाला ऑप्शन लेंगे और हेलो को हटाकर हम दिस इज सर्कल फिल कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे सारे शेप्स बन गए। मैं आपको एक बार ही ट्राई करके बताता हूँ।
ओके बाय एंड थैंक यू।